हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। उनके लिए आप वो ब्यूटी हो जो बाहर से भी सुंदर है और अपने मन से भी सुंदर है। आपके साथ उन्हें इतनी ज़्यादा कामनेस मिलती है कि जब आपके साथ फाइट्स होने लगती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें क्रेविंग होने लगती है उस पर्सन की जिससे उन्होंने काम फील होता था, जिसके साथ घंटों बात होती थी। वो पूरी दुनिया और अपनी परेशानियां भूल ही जाते थे आपके साथ बैठकर। वो आपको यूं ही परेशान कर रहे हैं, बात नहीं करके, ब्लॉक करके। असल में उनकी एक लौती विश ही ये है कि वो आपसे पूरी उम्र प्यार करें। उनको आपसे दूर रहना, खफा रहना, वो भी ज़्यादा दिनों तक अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें ईगो और गुस्से में हो जाती हैं, पर दिल से वो आपके दीवाने दीवानी हैं। वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो खुद ही चुपचाप वापस आ जाएंगे। वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर जब भी उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम कोई उनसे ले रहा है, रोक रहा है, तो वो डर जाते हैं। वो लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत पसंद है खुलकर और मौज में लाइफ जीना, और इसीलिए वो आपसे दूर हो जाते हैं डर कर, वरना वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप खुश रहो, जैसे भी रहो। वो इस बार बहुत हर्ट हुए हैं। उन्हें लगने लग गया कि प्यार उनके लिए है ही नहीं। उन्हें आपसे कोई गिले नहीं है, पर उन्हें खुद पे ही गुस्सा है कि वो कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। उनका पास भी अच्छा नहीं रहा हुआ उनके लिए, और अब आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनका दिल टूट गया है, वो हार गए हैं। आपको लगता है उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है, और असल में उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। उनके खुद पे वर्क करने की, हील होने की ज़रूरत है उन्हें। वो बहुत गहरी सोच में हैं। आपका ख्याल उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा। वो बार बार माइंड को समझाते हैं कि उन्हें आपको याद नहीं करना, पर कुछ नहीं रोक पा रहा आपकी याद को और उनकी बेचैनी को। वो डगमगा रहे हैं आपके पास आ जाएं या नहीं जाएं। उनको जानना है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। उनका दिल मचल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिनों तक दूर रह पाएंगे आपसे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वो शांत हो रहे हैं। उन्हें दिन प्रतिदिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। वो आपसे अब पहले से ज़्यादा मैच्योर लव करने लगे हैं। अब आप उनके प्यार में अट्रैक्शन नहीं, विजडम देखोगे। वो आपको एक समझदार पर्सन लगेंगे जिनकी आप रिस्पेक्ट कर सको, और आपको बहुत प्यार से हैंडल करेंगे। वो आपसे पहले से भी ज़्यादा गहरा प्यार करने लग गए हैं। वो आपसे एक चांस और मांगना चाहते हैं। उन्हें पता है आपने उन्हें बहुत चांस दिया है, कितनी बार उनको आपने माफ़ किया है, पर बस एक बार और उन्हें आपकी माफ़ी चाहिए। वो जब आपके साथ रहते हैं तो बस गलतियां करते रहते हैं, और अब बात बंद हो गई है तो सीरियस हो गए हैं। सबसे डिटैच्ड और मौज मस्ती कम्प्लीटली बंद हो गई है उनकी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते नज़र आ रहे हो।
आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके पर्सन के लाइफ में कोई है जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहो, इसलिए क्योंकि वो आपसे अट्रैक्ट हो रखे हैं। वो अपने दिल की बात ना आपको बता सकते हैं, और जब आप और आपके पर्सन को साथ में देखते हैं तो वो बहुत जलते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। आप ही हो उनके लाइफ में जो उन्हें फिर से प्यार करना सिखाया है। उनके सच्चे दिल की यही सच्ची बात है कि आपने उन्हें पास्ट डिप्रेशन से फिर से लाइफ में आगे बढ़ाया है और प्यार करना सिखाया है। प्रेजेंट में आप दोनों का रिश्ता जैसा भी हो, पर ये चीज़ वो दिल से मानते हैं और उसी दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। पर जब आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपनी इस फीलिंग को एक पल के लिए भूल जाते हैं और आपको कुछ भी बोल देते हैं। जय श्री गणेश।